तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज मैं इसमें HID लाइट्स लगाने वाला हूँ, और देखते हैं, अभी तो मार्केट जाएंगे, देखते हैं कौन सी लाइट्स मिल रही है। एक्चुअली आई एम गोइंग फॉर अ रोड ट्रिप वंस अगेन, सो दिस टाइम देयर्स एक्चुअली विंटर सीजन में आप देखते हैं कि रोड में फॉग बहुत रहती है, तो और अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने इसे वाइट लाइट्स इंस्टॉल कराई हैं, सारी वाइट लाइट्स। तो ये जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी, और अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग नहीं देखा तो आप जाके देखें, इसे मैंने ये लाइट्स एंड बम्पर इंस्टॉल किया है। सो वाइट लाइट्स एक्चुअली फॉग, मतलब यू नो, काट नहीं पाती है, फॉग को क्रॉस नहीं कर पाती है, तो उसके लिए येलो लाइट चाहिए या समवट ऑरेंज टाइप का, बट वही इसे फॉग में हमें ईजी रहेगा चलाने के लिए। और वीडियो को देखते रहे, मैं लास्ट में बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं रोड ट्रिप में। तो अभी मार्केट जाके देखते हैं हमें कौन सी लाइट्स मिलती है। Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife or I. Guys, currently I'm here in Sakshi. As you can see, the shop name Datta Auto Decorator. And एक तो HID देखने के बाद मुझे ये वाला साइज पसंद आया है, ये ऑरेंज तो कवर भी हट जाता है, कवर हटा के दिखाना भाई, ये कवर हट जाने के बाद ये वाइट हो जाता है पूरा HID, फुल HID। और ये पर्पज़ के लिए हम लगा रहे हैं, मतलब फॉग कटिंग के लिए बेसिकली, ये वही पर्पज़ के लिए है। ये कितने इंच का HID होगा? ये आपका 10.5 इंच का HID, मतलब 10.5 इंच। और आपने इतना भी देखा होगा, मैंने भी पहले देखा था, तो लास्ट आई गेस 9 इंचेस मैंने देखा है, 10.5 इंचेस नहीं देखा, सो इट्स क्वाइट बिग। एंड आई एम ट्राइंग, हाँ, यू कैन सी आफ्टर इंस्टॉलिंग कैसे लगेगा ये, इट विल लुक लाइक दिस। तो हमें वहाँ पे बम्पर में दो होल्स कराने पड़ेंगे, उसके बाद नीचे में यहाँ पे नट बोल्ट है, ये लग जाएगा। सो पहले होल्स करा लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट आपने एक लुक ले लिया है, उससे पहले होल कराते हैं। Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife or I. Didn't wanna walk the plank. No, but the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under, swimming in the bayna. I was covered in a tidal wave, But I'm a fighter, trying to take me down. I'm going higher. Baby, you've been playing with some fire. वायरिंग और HID की, तब तक सोचे कुछ खा लेते हैं, तो वाई नॉट दिस फ्रूट चाट, एक बार टेस्ट करके बता रहे थे भाई, रिव्यू मीटा पे भी कभी खाने मिलते हैं हमें। सो यार गाइस, लाइट्स इंस्टॉल हो चुकी है, बट बिफोर दैट ये भी वाइट करा लिया है, येलो से वाइट हो गया है, बिकॉज येलो थोड़ा एम्बियंस भी नहीं दे रहा था, और ये थोड़ा ब्राइट भी है वाइट। सो अब आते हैं HID पे। तो HID के लिए यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे हमारे पहले से थार में डमी बटन्स रहते हैं, तो ये HID का एक डेडिकेटेड बटन दे दिया है, तो पुश करेंगे और HID देखेंगे आगे। सो यू कैन सी, अभी पार्किंग लाइट नहीं चलती है, HID चल, देख तो ऑन नहीं है HID। चाबी को टर्न ऑन कर, ऑन हो रहा, हाँ हो गया। सो यू कैन सी, एक्चुअली ये अभी लो लग रही है, बट धीरे धीरे करके HID का ये सीन रहता है, बताते हैं कि वो धीरे धीरे करके जैसे जलते रहेंगी तो वो ब्राइट हो जाएंगी, एक ही बार में जैसे LED एक ही बार ब्राइट जलता है वैसे नहीं चलेगा, तो धीरे धीरे करके चलेगा। सो होपफुली आई हैव सीन द शॉप फ्रॉम वेयर आई फिटेड द लाइट्स फ्रॉम, और कुछ भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड वेट टिल द इवनिंग गाइस, कि
क्योंकि इवनिंग में ही इसका सही मतलब एक व्यू मिलेगा। और इसका बैलेंसिंग के लिए भी उन्होंने बोला है कि अभी एक अप्रॉक्स एक उसके साथ इन्होंने बैलेंस कर दिया है, बट फिर एक बार इवनिंग में वो चेक करेंगे और इसे बैलेंस कर देंगे कि इसका फॉक्स सही जगह पड़े। सो वो है। एंड जो बीच में अंदर में रूम लाइट लगाई है वो भी एक बार चेक कर लेंगे। एंड बाकी सब बढ़िया है। सो यार गाइस, इट्स क्वाइट डार्क इन द इवनिंग और अब इसे टेस्ट करते हैं। बट बिफोर टेस्टिंग इट एक बार रूम लाइट भी चेक कर लेता हूँ। सो हियर वी गो। ओह यार, सो पहले से तो काफ़ी ब्राइट लग रहा है। इट्स ऑल गुड। अब इसे स्टार्ट करते हैं। द मेन थिंग HID। सिटी आके पार्किंग लाइट बंद कर दे तो सो एज यू कैन सी नाउ, और पार्किंग लाइट भी बंद कर देता हूँ तो एक परफेक्ट व्यू मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसकी जो लाइट है वो बढ़ती जा रही है, बिकॉज HID आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इन द मॉर्निंग। तो धीरे धीरे इसका फॉक्स बढ़ रहा है, आप इसकी रेंज देख सकते हैं। इट्स क्वाइट गुड। और बाकी अब ट्रिप में मालूम चलेगा कि कितनी सही है या कितनी कन्वीनियंट है। सो ट्रिप का भी बताने वाला था मैं। तो वी आर गोइंग टू मनाली। वी आर इन द सेंस मीन सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय ब्रदर्स इज देयर। हे ब्रो, हेलो। सो दे आर गोइंग विद मी टू मनाली। सो स्टे कनेक्टेड विद मी बिकॉज द नेक्स्ट वीडियो विच विल कम इज टू ट्रिप टू मनाली। सो स्टे कनेक्टेड एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वीडियो तो आएगी बट अपने रेगुलर अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहूँगा बाई स्टोरी और बाई पोस्ट। सो स्टे अपडेटेड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, ओके, बाय।